और हम आंटी यहाँ पे बात करते हैं कि विक्टम ब्लेमिंग नहीं, विक्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे कौन जो है वो इनकार कर सकता है। हम नहीं ब्लेम कर रहे, लेकिन हम तवज्जो दिला रहे हैं आउट ऑफ सिंसेरिटी कि थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं पैसे पकड़ के यूँ लहराना शुरू कर दूँ स्ट्रीट में जाके, और उसके बाद जो है वो मेरी चोरी हो जाए, तो मैं उसके बाद देखूँगा तो सही ना कि मेरी तरफ से क्या गलती आई। हाँ, ये अंडरस्टैंडेबल है कि जब किसी के साथ कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे रेप हो जाए, तो फौरन से उसको कहना शुरू कर देना कि ये जी आपकी वजह से, वो फिर आई थिंक के एक बहुत इनसेंसिटिव रवैया है, इनसेंसिटिव बात है। मौका मौका देख के वो खुद ही आप उन्हें मौका दो कि शायद उनके भी जहन में ऐसी कोई बात आए कि क्या गलती, तो ये कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जो इनसेंसिटिव होते हैं। I believe, वो एक अलग इशू है। अल्लाह की जो हदूद है उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं इनके करीब ना जाना। जी ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं ना वो रेप जैसा इंसिडेंट होने से पहले पहले की बात, पहले की बात है। ठीक है, अल्लाह माफ करे जब वो हो जाएगा, तो फिर उसमें जिसका जो हिस्सा होगा वो उतना सही उसमें वो होगा। उसमें एक औरत को विक्टिम ब्लेम जितना मर्जी कर ले, उसकी वजह से उस मर्द की सजा में कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल सही। ठीक है, इसलिए हम उसे पहले पहले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वो जो पहले पहला है हिजाब, उसी के लिए है ना। और ये भी मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी, बहुत कहा जाता है हिजाब का मतलब है औरतों को गायब कर दो, औरतों को घरों में बिठा दो, औरतों को बस दे शुडंट बी हर्ड ऑफ। नहीं, हिजाब तो है ही औरतें बाहर जाने के लिए है। अच्छा, घर के अंदर रहेंगी तो हिजाब कौन करेगा भाई? हिजाब तो है ही बाहर के लिए। हिजाब वो प्रोटोकॉल है, वो सिस्टम है जो अल्लाह मुतारिफ करवाता है कि हाउ टू इंटरैक्ट विद स्ट्रेंजर्स, मेल स्ट्रेंजर्स। ये बड़ा जबरदस्त आपने वर्ड यूज किया, एक प्रोटोकॉल है। हाँ, ये प्रोटोकॉल प्रॉपर डायरेक्शंस हैं कि आपको जरूरत पड़े तो आपने हिजाब में रहते हुए कैसे करना। और फिर आप ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मर्दों को भी, ये औरतों को तो फोकस रखता ही है जो घर से अपनी जो है ना जेंडर को कवर करके तो मर्दों के साथ इक्वल लेवल पे आके काम करने के लिए औरतों को तो फोकस करता है, ये मर्दों को भी फोकस करता है। शैतान रहता है, मैं मानती हूँ, बीच में हेयर एंड देयर मवाके आते रहते हैं, लेकिन क्या है वो न्यूट्रलाइज होते जाते, वो क्या आपकी केमिस्ट्री की जुबान में बोलते हैं ना, अल्कलिनाइज होते जाते हैं। सही। ठीक है, वो क्योंकि आपने वो वाली मेजर्स लेनी है तो इंशाल्लाह आप बड़े नुकसान तक नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये भी हमें देखना, ईमान घटता बढ़ता रहता है। ये नहीं कि आज मैं हिजाब कर रही हूँ इस सोच के साथ तो इसका मतलब कि माय जॉब इज डन विद, नो, आई हैव टू कीप प्रिपेयरिंग माय सेल्फ। मुझे अपनी गलतियाँ निकालते रहना है, मुझे अपने आप की अपनी वो जो नीयत को दोबारा खालिस करते रहना है, मुझे अपने हिजाब के तरीकों को इम्प्रूव करते रहना है। जबरदस्त, लाइकवाइज मर्द। एक्सीलेंट। और मैं आपको बताऊँ कि ये एक बड़ा इशू है कि अब मुकाबलाबाजी शुरू हो गई है बजाय के रेफर्मेशन के। देखें, अगर मर्द लड़के टीनेजर्स खोखों पे बैठ रहे हैं, मतलब वो यही वर्ड यूज़ करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब यंग लड़कियां एक मूवमेंट चलाएं पेरेंट्स के खिलाफ कि हमें भी खोखों पे बैठना, हमें भी पार्टी करनी है, हमें भी बाहर जाना है। बजाय कि ये मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है कि इन लोगों को समझाया जाए, ये जिम्मेदारी निभाए। वो एक आर्गूमेंट आता है ना कि नहीं, लड़के इतना इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम क्यों नहीं जाते, हमें इस्लाम ने घर में बंद कर दिया। तो बजाय कि ये क्वेश्चन पूछने के, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने लड़कों को भी समझाएं कि आराम से, मतलब हमारे, मुझे तो याद है मेरी अम्मी तो एक टाइमिंग्स रखती थी कि इस टाइम के बाद तुम मुझे घर से बाहर नजर ना आओ, और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल था, मेरे अब्बू इस पर सख्ती करते थे। तो ये तो आई थिंक एक पेरेंटिंग का मसला है। इस मसले को लेके ये कहना कि मैं भी मुकाबलाबाजी पे आऊँगी, अब आप देखें औरत मार्च आ जाके मेरे नज़दीक तो यही है। मैंने एक भाई से खुद सवाल पूछा, उसने कहा था कि उसने एक बैनर उठाया था, बैनर पे लिखा था कि मेरी बहन शर्मिंदा है लड़की होने पे। मैंने कहा ये इसका क्या मतलब है? कहता इसका मतलब ये है कि मर्दों को सारी इजाज़त है, मर्द सिगरेट भी पी सकता है। अब देखे ना वो बेचारा, क्या अब मैं कहूँ, कितनी बेवकूफ़ाना बातें हैं। मर्द सिगरेट भी पी सकता है, मर्द पार्टी भी कर सकता है, मर्द मोटरसाइकिल भी चला सकता है, मैं मर्द हूँ, मैं जब चाहे जो मर्जी कर सकता हूँ, तो मेरी बहन नहीं कर सकती। वो फिर ये कि जेलस होती है कि मैं भी काश मर्द होती। अब एक वो करना है, गले पे छुरी रख के तो आप जितना मर्जी डाका मार लें अगर तो आपने बात कर सकने की करनी है जी। वो तो ये वाली बात हो गई। और एक ये बात है कि जो बात काम की समझ भी किसी को आए। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हमारे जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं औरतों को खड़े हो जाओ मर्दों के खिलाफ।
मैं मानती हूँ मर्दों की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। इसके बजाय हमारे फेमिनिस्ट लोग ने कहाँ पे वो तहरीक शुरू की जिसमें मर्दों को एहसास जिम्मेदारी दिलाया। यही वजह है हम पाकिस्तान की खवातीन जहेज पे रो रही हैं, हम विने की रस्मों पे रो रही हैं, हम जो हैं जो तलाक और खुला के ऊपर जो हमें तंग किया जा रहा है उस पर हम रो रही हैं। उसकी तरफ कोई आने की तरह तैयार ही नहीं है। हमारी बच्चियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जैनब जैसी जो है वो रेप हो रही हैं, उसके ऊपर कोई तहरीक चलाने को तैयार नहीं है। तहरीक चलानी है तो इस बात में कि मोजे नहीं मैंने तुम्हारे पता नहीं ढूंढ के देने के गर्म करने के क्या करने, तहरीक चलानी तो इस बात पे, तो इसका मतलब कि दे डू नॉट रिप्रेजेंट अस। उन्होंने हाईजैक कर लिया ना हमारी हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट, उन्होंने हाईजैक कर लिया और उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जज़ाकअल्लाह। जस्ट टू वाइंड अप, सबसे पावरफुल आपकी जो मुझे बात माशाल्लाह लगी, सारी बातें पावरफुल थी, बट व्हेन यू सेड कि जब आपको रियलाइज हुआ कि अल्लाह का हुक्म है तो फिर आपकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गईं और डाइल्यूट हो गईं। तो आई थिंक ये जो एक सेंटेंस कहा जाता है ना, हिजाब इज़ माई चॉइस, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, लेकिन हिजाब इज़ नॉट योर चॉइस, रादर इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई थिंक इससे एम्पावरिंग और इससे पावरफुल सेंटेंस ये है कि आप अल्लाह को पहचानें और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको किस लेवल पे एम्पावर करना चाहता है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब। अब बिलीव कीजिए, वो जब यूनिवर्सिटी में थे गर्मी नहीं लग रही तुम्हें वगैरह, ये वो, इसका एक ही जवाब है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, अपने दीनी अहकामात में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुक्म हिजाब करना लगता है। बिल्कुल लगता है, ये मेरी बहुत ढेर सारे मज़ों के ऊपर वो अटक डालता है। सही बात। मैं क्यों करती हूँ, मुझे जहन्नुम की आग से डर लगता है, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, whether I like it or not। सही बात, सही बात। बहुत सी चीजें मर्दों को भी करनी पड़ती हैं जो है। उनके बहुत उसके खिलाफ जाती हैं, जाहिर है डोपामीन स्टाइल के खिलाफ जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिंदगी में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, मैं तो आंटी इसको इस तरह देखता हूँ, वो मुश्किल है। और आप बेहतर इसको बताएंगे, आप उम्र में भी बड़ी हैं, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। मैंने तो यही देखा है, मुश्किल काम के लिए मेहनत भी है लेकिन उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और एट द एंड उसका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा। जिब्रील आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और गमज़दा और ख़ामोश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों, कहने लगे अभी जन्नत को देख के आ रहा हूँ। इट वॉज सराउंडेड विद मुश्किल चीज़ों के साथ, और जहन्नुम को भी देखा है कि ये सराउंडेड थी मज़े की चीज़ों के साथ जिनके साथ मज़े आते हैं। सही बात, सही बात। और यही बात है कि आसान तक रहो शयान वह खैरुल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह विल कीप इनवाइटिंग यू।